एक पंखे में गरीब ससुराल। आरती की शादी अनुज के साथ हो जाती है और वो बहू बनकर ससुराल चली आती है, जहां दरवाजे पर फीकी सी साड़ी में खड़ी गरीब गंगा उसका गृह प्रवेश कराती है। आरती बहू, इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। आरती गृह प्रवेश करके अंदर आती है, जहां अपने ससुराल में दो टूटे फूटे पुराने कमरे देखकर वो मन ही मन कहती है, मैंने तो सोचा था कि मेरा ससुराल बहुत ही सुखद और समृद्ध होगा, मगर ये क्या, इतने बड़े क्रिकेट टीम के लिए बस दो कमरे। ये तो वही मिसाल हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। क्या सोचा था और क्या मिला। आरती बहू, अरे ओ आरती बहू, कहाँ खो गई? कहीं नहीं माँ जी। अनुज बेटा, बहू को कमरे में ले जा, थक गई होगी। जी माँ। चलो आरती। अनुज आरती को कमरे में लेकर चला जाता है। तभी नेहा तकिया उठाकर पसीना पोंछते हुए आरती के कमरे में जाने लगती है। अरे नेहा, तू कहाँ जा रही है? माँ, अनुज भैया और भाभी के कमरे में सोने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। नेहा, तेरे भेजे में भूसा भरा है क्या? तुझे समझ में नहीं आता, आज ही तो तेरे भैया भाभी की शादी हुई है, आज तुझे यहीं सोना होगा, समझी? ये सुनकर गर्मी से परेशान नंद गुस्से में पिनकते हुए तकिया पटक कर सो जाती है। मगर कुछ ही देर में गुड्डी और राजू गर्मी से परेशान होकर रोते हुए उठ जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? माँ बनते थे बिना बहुत तेज दलमी लग रही है, तलो दूधले तमले में तलते हैं। हाँ माँ, हमसे इस गर्मी में नहीं सोया जाएगा, चलो ना पंखे की हवा में सोते हैं। बच्चों, उस कमरे में चाचा चाची सोए हैं, आज हमें यहीं सोना है। माँ भाभी, कब तक हम ऐसे किस्तों में जिंदगी काटते रहेंगे? आप लोगों को यहाँ गर्मी में उबलना है तो उबलते रहो। चलो राजू गुड्डी, हम पंखे वाले कमरे में चलते हैं। इसके बाद नेहा जोर जोर से आरती के कमरे का दरवाजा खटखटाने लगती है, और जैसे ही आरती दरवाजा खोलती है, राजू गुड्डी और नेहा अंदर घुस आते हैं, जिस कारण बहू का मुंह बन जाता है। अरे क्या बात है नंद जी, आप और बच्चे यहाँ? वो क्या है ना भाभी, बाहर वाले कमरे में पंखा नहीं है, इसलिए गर्मी से नींद नहीं आ रही। क्या हम आपके कमरे में सो सकते हैं? बस यही कमी बाकी रह गई थी, जो सुहाग रात के दिन ही मेरी ये नल्ली नंद और एक कच्चे बच्चे कबाब में हड्डी बनने चले आए। हाय हाय, मेरा गरीब ससुराल। हाँ हाँ, आओ ना नंद जी। इसके साथ नेहा, राजू और गुड्डी पलंग पर पसर कर पंखे की हवा में सो जाते हैं, जिसके बाद बहू को जमीन पर चटाई बिछाकर सोना पड़ता है, जिस कारण रात भर बहू पसीने से भीगी रहती है। तभी सुबह के 5 बजे संगीता उसे उठा देती है। उठ जाओ देवरानी जी, सुबह हो गई है। पता नहीं कैसे नमूने ससुराल वाले मिले हैं, रात को ये चंगू मंगू और नंद ने मेरी नींद हराम कर दी, और सुबह सुबह जेठानी जी राशन पानी लेकर शुरू हो गई। बेचारी बहू न चाहते हुए भी आधी अधूरी नींद के साथ उठकर नहा धोकर सभी के लिए भरी गर्मी में नाश्ता बनाती है। अरे वाह बहू, खाना तो बड़ा ही जायकेदार बनाया है तूने, और कचौड़ी तो बड़ी ही खस्ता बनी है, मैंने तो भरपेट खा लिया। मुझे तो नींद सी आ रही है। ये कहकर बनवारी बहू के कमरे में आकर पंखे की ठंडी हवा में सो जाता है, जिसके बाद एक एक करके सास, बच्चे, जेठानी और ननद भी कमरे में आकर पंखे की हवा में फैल जाते हैं। वहीं बेचारी बहू के माथे से सारा दिन टप टप पसीना बहता रहता है, जिससे चिढ़कर वो कहती है, पता नहीं किस गरीब खाने में आकर फंस गई हूँ मैं, अपने ससुराल को लेकर कितने सपने देखे थे, मेरा ससुराल ऐसा होगा वैसा होगा, सोचा था कि मेरा ससुराल ढेर सारे कमरों का बड़ा सा बंगला होगा और सभी कमरों में एयर कंडीशनर एसी भी लगी होगी, मगर एसी तो दूर, यहाँ पंखा भी सिर्फ एक ही कमरे में है, जिसमें ही मेरे गरीब ससुराल वाले मेरे ही कमरे में मेरे ही पंखे के आगे पसरे रहते हैं। आरती खुद से बातें ही कर रही होती है कि तभी उसकी जेठानी संगीता आकर कहती है, क्या बात है देवरानी जी, बड़ी परेशान लग रही हो। परेशान नहीं हूँ तो और क्या करूँ जेठानी जी, सारा दिन तो मेरे ससुराल वाले मेरे कमरे में जमे रहते हैं, किसी को भी मेरी पड़ी ही नहीं है कि बेचारी बहू बिना पंखे के सारा दिन गर्मी कैसे झेलती है। आरती की बातों में झलकती गर्मी की लाचारी देखकर संगीता ये बात अपनी सास गंगा और ससुर बनवारी को बताती है। माँ जी, बाबू जी, हम लोग गर्मी से बचने के लिए अपनी अपनी सोचते रहे, इसलिए देवरानी जी की परेशानी देख नहीं पाए। हाँ बड़ी बहू, तू ठीक कह रही है, अब चाहे कितनी भी गर्मी क्यों न झेलनी पड़े, हम बहू के कमरे में नहीं जाएंगे। उस रात ससुराल के कोई भी सदस्य बहू के कमरे में सोने नहीं जाता,
तभी सारी रात बड़ी गर्मी में बिना पंखे के सोते हैं, जिससे कि किसी को नींद नहीं आती। वहीं आरती अपने पति अनुज के साथ अपने कमरे में आराम से सोती है। कुछ दिन गुजरने के साथ लगातार बिना पंखे की गर्मियों में सोने के कारण बहू के गरीब ससुराल वालों के शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं, जिससे गुड्डी और राजू बहुत रोते हैं। माँ माँ, कुछ तलो ना हमारे लिए, एक पंथा मंगवा दो ना, हमसे इस गर्मी में नहीं लादा था। दादाजी दादी माँ, आपको पता है हमारे सभी दोस्तों के घरों में महंगी महंगी एयर कंडीशनर, एसी और कूलर है, और हमारे घर में एक ही पंखा है। क्या हम एक और पंखा नहीं ले सकते? हम इतने गरीब क्यों हैं? बच्चों की बात सुनकर बनवारी की आंखों में गरीबी और लाचारी के कारण आंसू भर आते हैं और वो कहता है, कितना बेबस और लाचार हो गया हूँ मैं, जो अपने घर परिवार के लिए एक पंखा भी नहीं खरीद सकता। हम गरीबों की गर्मियाँ ऐसी ही होती हैं। बच्चों, इस दुनिया में हमसे भी गरीब लोग हैं, जिनके सर पर छत नहीं और उन्हें कड़ी धूप में फुटपाथ पर बिना पंखे के रहना पड़ता है। अपने गरीब ससुराल वालों को गर्मी में गुजारा करता देखकर आरती की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं और वो कहती है, सासू माँ, ससुर जी, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस घर परिवार को लेकर नहीं चल पाई, मगर आज मुझे पता चला कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे स्नेह भरा ससुराल मिला। आज से मेरा ससुराल गर्मी में नहीं सोएगा, चलिए पंखे की हवा में चलते हैं। बहू के रूखे स्वभाव में आए बदलाव को देखकर गरीब ससुराल वालों का नीरस मन खुशी से भर जाता है, जिसके बाद बहू और उसके गरीब ससुराल वाले एक ही पंखे की हवा में बड़ी ही मुश्किल से रहते हैं। तो वहीं बेचारी बहू सारी रात पंखा भी झोलती है। अरे बहू, तू अब तक जाग रही है, सोई नहीं? माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही, जब आएगी सो जाऊंगी, आप भी सोइए। सास आराम से सो जाती है और अनुज आरती को पसीने से तर होता देखकर कहता है, मैं जानता हूँ आरती, तुम इस गर्मी में कैसे गुजारा कर रही हो। मैं जानता हूँ एक लड़की जब शादी करके अपनी ससुराल आती है तो उसकी आंखों में हजारों सपने होते हैं। मैं तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं कर पाया, तो मैं इस गरीबी के सिवा कुछ नहीं दे सका। अजी, सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है, मगर इस गरीबी में हमारा परिवार साथ तो है, अब सो जाइए। अपने गरीब ससुराल वालों के लिए बहू का प्यार भरा दिल देखकर अनुज बहुत खुश होता है और अनुज पैसे बचाकर अपनी पत्नी के लिए नया पंखा खरीद कर ले आता है। अरे बेटा, तू नया पंखा खरीद लाया, मगर अपनी तनख्वाह तो तूने घर खर्च में दे दी, फिर ये पैसे कहाँ से आए? माँ, इस महीने फैक्ट्री में मैंने जो ओवरटाइम लगाया था वो पंखा उन्हीं पैसों से आया है। अब मेरे परिवार को गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही मेरी पत्नी को। ये दे तो ताती ताता आपके लिए पंखा ले आए। आरती बहू, जाने कितने अरमान लेकर तू बहू बनकर ससुराल आई थी, मगर यहाँ तुझे गर्मी और गरीबी झेलने के सिवा कुछ भी नहीं मिला। तूने अपने हिस्से की हवा भी हमारी नींद पर न्योछावर कर दी, मगर अब तुझे गर्मी में नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद मासूम राजू और गुड्डी खुशी से घर में आए नए पंखे की आरती तिलक करते हैं और अनुज पंखे को दूसरे कमरे में सेट कर देता है, जिसके बाद बहू या उसके गरीब ससुराल वालों को गर्मी में नहीं सोना पड़ता, बल्कि सभी पंखे की हवा में सुकून भरी मीठी नींद सोते हैं। गौरी बेटी, ये ले पैसे, आज अपनी कॉलेज की फीस भर देना। ये कहकर कविता ने गौरी को पैसे दे दिए। कविता अपनी बेटी गौरी के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, वो उसे खूब पढ़ाना चाहती है। माँ, ये पैसे कहाँ से आए? ये कहते हुए गौरी की नजर अपने माँ के सूने कान पर पड़ गई और गौरी आंसू भरी आंखों से बोली, ये क्या माँ, मेरी फीस भरने के लिए आपने अपने कानों की बालियां बेच दी? माँ, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मुझे और नहीं पढ़ना। बापू ने एक एक पैसा जोड़कर आपके लिए बालियां बनवाई थी, वो बापू की आखिरी निशानी थी, और आपने मेरे लिए उसे बेच दिया। गौरी बेटी, अगर आज तेरे बापू होते तो वो भी यही करते। मैं नहीं चाहती जो दुख दर्द भरे दिन तेरी गरीब माँ ने काटे हैं, मेरी गौरी भी वो गरीबी झेले। कविता ऐसा कह ही रही थी कि तभी एक चमचमाती हुई गाड़ी उस गरीब के घर के आगे रुकती है और गाड़ी का शीशा डाउन करके गाड़ी के अंदर बैठी सिमरन चिल्लाती है, गौरी, कम फास्ट, वी आर गेटिंग लेट। माँ, मैं चलती हूँ, मेरी सहेली सिमरन आ गई। गौरी का रंग बहुत ही सांवला था,
खास उभरी हुई सुंदरता तो नहीं, मगर गौरी बहुत सुलझी और साफ दिल की थी। वहीं सिमरन बहुत ही गोरी, अमीर और सुंदर थी। उसके लिए गौरी उसकी सबसे अच्छी सहेली थी। बस यही वजह थी कि उसे गौरी की गरीबी और उसका काला रंग सिमरन को कभी नहीं खटका। इसके बाद गौरी सिमरन के साथ गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। क्या बात है, आज तो तू इस न्यू ड्रेस में कहर ढा रही है। ओहो, न्यू हील्स भी। हाँ, वो पिछले हफ्ते ही डैडी मॉरिशस गए थे ना, तो वहीं से लाए हैं। थोड़ी ही देर में दोनों सहेलियां कॉलेज पहुंच जाती हैं। फिर जैसे ही गौरी गाड़ी से बाहर उतरती है, बाइक सवार दो गुंडे उसके हाथों से पैसे छीनकर फरार हो जाते हैं। मेरे पैसे, रुको! गौरी आंखों में आंसू लिए उनके पीछे भागती है, मगर वो काफी दूर निकल चुके होते हैं। जिसके बाद गौरी फूट फूट कर रोते हुए कहती है, सिमरन अब मैं कॉलेज की फीस कैसे भरूंगी, वो गुंडे मुझ गरीब के पैसे छीन कर भाग गए। तू टेंशन मत ले, तेरी सहेली है ना, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद सिमरन ने कॉलेज के कैश काउंटर पर अपना और अपनी गरीब काली सहेली की फीस भर दी। और जैसे ही दोनों लेक्चर क्लास अटेंड करने पहुंची, तभी रॉकी ने कहा, हे लुक दिस गाइस, देखो काले गोरे हंसों का जोड़ा आ गया। यू आर राइट रॉकी, यू नो व्हाट, इन दोनों अमीर गरीब सहेलियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मिल्क शेक के साथ कैपुचिनो है। पूरा क्लास गौरी की गरीबी और उसके काले रंग का मजाक बनाने लगता है, जिस कारण उसकी आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। जिसे देखकर सिमरन बेंच पर हाथ मारकर गुस्से में चिल्लाकर कहती है, शट अप गाइस, हाउ कुड यू, रॉकी तू मेरी सहेली की इंसल्ट कर रहा है। एंड यू चारू, शर्म नहीं आती एक लड़की होकर दूसरी लड़की का मजाक बनाते हुए? मेरे डैडी इस कॉलेज के ट्रस्टी है, मैं चाहूं तो एक सेकंड में तुम सभी की छुट्टी करवा दूं, समझे? चलो गौरी। इसके बाद सिमरन गौरी को कॉलेज की कैंटीन में लेकर आती है। वहां बड़ी चहल पहल छाई हुई थी, मगर गौरी का मन अभी भी क्लास में उड़े खुद के काले रंग और गरीबी के तीखे तानों में घुला जा रहा था, और उसकी आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सिमरन, ये क्या कम था कि भगवान ने मुझे गरीब की झोली में डाला, जो उन्होंने मेरा रूप रंग भी छीनकर मुझे काला बनाकर भेज दिया। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। ओहो, तू अभी तक उनकी बातों को लेकर बैठी है? क्या तेरी ये सहेली तेरे लिए काफी नहीं? चल अब चुप हो जा, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चल बर्गर खाते हैं। कुछ देर बाद दोनों सहेलियां घर चली आती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। फिर एक सुबह, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग माई प्रिंसेस। क्या बात है, ये संडे की सुबह सुबह किताबें लेकर कहाँ जा रही हो? बस कॉलेज का असाइनमेंट बनाने गौरी के घर। ये सुनकर रूप सहाय का खुशनुमा चेहरा फीका पड़ जाता है। और फिर, सिमरन बेटी, इतनी गर्मी में उस गरीब के घर जाना बेवकूफी है। वहाँ ना तो एसी है, ना एयर कंडीशनर, कूलर। सच कहूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटी उन गरीबों की बस्ती में जाए। थोड़ा तो हमारे स्टेटस का सोचा करो। अपने पिता रूप सहाय की बातों में झलकते अमीरी गरीबी का फर्क देखकर सिमरन झुंझलाकर बोल पड़ी, Enough डैडी, मेरी दोस्ती अमीरी गरीबी की मोहताज नहीं, मेरे लिए गौरी सिर्फ मेरी सहेली है, बस। ये कहकर सिमरन गौरी के घर आ पहुंची, जहां लड़के वाले बैठे थे। तभी गौरी उनके सामने आती है, मगर गौरी का काला रंग देखकर मुंशीलाल उठ जाता है। क्या हुआ भाई साहब, आप उठ क्यों गए? अरे माफ करो कविता बहन, ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं इस रिश्ते को ठुकराता हूँ। मैं इस काली कलूटी लड़की को किसी भी कीमत पर अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा, फिर चाहे मेरा बेटा जिंदगी भर कुंवारा क्यों न रहे। चल जुगल। भाई साहब ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब की बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी के साथ अपनी बेटे की शादी करने को तैयार हूँ, मगर मुझे दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख? मैं गरीब, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये सब देखकर गरीब गौरी अंदर ही अंदर घुट रही थी। ये सब कुछ सिमरन की आंखों के सामने हो रहा था। सिमरन ने गलत के खिलाफ झुकना नहीं सीखा था, बल्कि उसने आवाज उठाना सीखा था। एक गरीब से दहेज मांगते हुए शर्म नहीं आती? मैं चाहूं तो दहेज मांगने के जुर्म में तुम बाप बेटे को जेल के चक्कर कटवा दूं। चलो निकलो यहां से। मुंशीलाल वहां से चला जाता है और सिमरन गौरी को गले से लगा लेती है। और शाम को जब सिमरन घर आती है तो उसके पिता कहते हैं, सिमरन ये तस्वीर देखो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का लंदन में रहता है, मुझे लड़का पसंद है। तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसा आपको ठीक लगे डैडी। थोड़े दिन में सिमरन की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं और गौरी उसे हल्दी लगाती हुई कहती है, देखो सिमरन, आज तुम्हारी हल्दी और मेहंदी है, और कल 7 फेरों के बाद
तुम अपनी गरीब सहेली को छोड़ के साथ समंदर पार चली जाओगी। यह सुनकर सिमरन की आंखों में आंसू भर आते हैं और सिमरन का मन इसी सोच में घुलने लगता है। तभी उसका भाई शुभम आगे आकर उसे हल्दी लगाते हुए कहता है, शादी की बहुत बहुत बधाई हो मेरी छोटी बहन। शुभम भैया आप आ गए, इससे मिलिए, यह मेरी सबसे प्यारी सहेली गौरी। उसी पल गौरी की सादगी शुभम के मन में घर कर जाती है। एक एक करके सभी रस्में पूरी होती हैं और शादी का दिन आ जाता है। उस दिन सुबह से ही बड़ी चहल पहल शुरू हो जाती है। सभी हलवाई खाने की तैयारी में लगे थे, तभी एक मजदूर के हाथों से तेल का कनस्तर छूट जाता है और अचानक आतिशबाजी की एक चिंगारी पड़ते ही सिमरन के कमरे के चारों ओर आग फैल जाती है। अरे अरे भागो भागो, अरे घर में आग लग गई। गौरी देखती है कि आग सिमरन के कमरे में लगी है, तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना कमरे की ओर भागती है और जैसे तैसे कमरे के अंदर आकर सिमरन को बचाकर बाहर लाती है। सिमरन मेरी सहेली, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आप ठीक तो हैं? और छोटी छोटी तो ठीक है? शुभम की आंखों में गौरी के लिए फिक्र भरा देखकर सिमरन गौरी को देखकर कहती है, गौरी शुभम भैया तुम्हें पसंद करते हैं, मगर क्या मेरी सहेली मेरी भाभी बनेगी? सिमरन शुभम जी इतने सुंदर हैं और मैं कहाँ ठहरी काली और गरीब। ऐसा मत कहो गौरी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम्हारी सादगी मेरे दिल में उतर गई थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर गरीब गौरी की आंखों में खुशियों के आंसू भरकर इठलाने लगते हैं, जिसके बाद सिमरन अपने हाथों से गौरी को सजाकर उसे दुल्हन बनाकर मंडप में लाती है और आखिर में एक ही मंडप में दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है और सिमरन गौरी के गले लगकर उसे विदाई देते हुए कहती है, देख लिया मेरी प्यारी सहेली, आज मुझसे पहले तुम्हारी विदाई हो रही है। शुभम भैया ये सिर्फ मेरी सहेली ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी परछाई है। इसने बहुत कुछ सहा है, बहुत गरीबी झेली है। बस आपसे गुजारिश है मेरी सहेली का ख्याल रखना शुभम भैया। जा मेरी प्यारी सहेली, आज तेरी सहेली तुझे इस विदाई की बेला पर दिल से दुआ देती है कि तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले। शुक्रिया सिमरन, मैं बहुत खुश किस्मत हूँ जो मुझ जैसी बदसूरत काली लड़की को तुम जैसी सहेली मिली। आखिरकार सिमरन ने अपने गरीब काली सहेली की विदाई के बाद ही अपने बाबुल का घर आंगन छोड़ा। शुभम का साथ पाकर आज गौरी का दामन खुशियों से भरा हुआ है, वहीं सिमरन भी अपनी जिंदगी में खुशहाल है।